वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम जबरदस्त सा हर दिल अजीज चिली चिकन बनाते हैं, चटपटा सा जबरदस्त सा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 पाउंड चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने मीडियम पीसेस कर लिया है, यानी 2 किलो के आसपास। देखिए इतने साइज के पीसेस कर लिए। तो अब झटपट हम इसको मैरिनेट करते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, यानी विनेगर, मेरा वाइट विनेगर है, आपको जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं। और यहाँ जाएगा 1 टेबलस्पून तेल। यहाँ हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है यानी नोर या मैगी की 1 क्यूब, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, ये चला जाएगा। और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मिक्स है। और यहाँ हमारे पास है कॉर्नस्टार्च जो कि 4 टेबलस्पून है, वो कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला होता है ना, वो ही है। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून मैदा। अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। अंडा कह रहा था मुझे इज्जत दे, 2 हाथ से तोड़े, मैंने कहा चले ट्राई करते हैं, अंडा भी खुश हो गया। चले अंडे को थोड़ा सा फोड़ लेते हैं और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर जिन लोगों को अंडा अवॉइड करना है या फिर अंडे से कोई इश्यू है तो बिना अंडे के भी बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में अंडा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चिकन नहीं होती है, कोटेड होती है और सॉफ्ट साइड पर होती है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, और अगर आपके पास टाइम हो तब आप क्या मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख दें, मैक्सिमम जो है मैरिनेट होगा, 1-2 घंटा भी होगा तो बड़ा मज़े का हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं तो बस अब यहाँ क्या करती हूँ, चूल्हे को ऑन करती हूँ मीडियम हाई पे और मिलते हैं तेल के गर्म होने पर। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो किसी भी किस्म का वुडन स्क्यूवर हो या वुडन का चम्मच हो लकड़ी का, उसको डालेंगे और ये जो सिजल हो रहा है ना, इस तरह का चाहिए हमें तेल, तो बस ऐसे। तो चले अब हम डालना शुरू करते हैं चिकन के पीसेस को, जितने हमारे पैन में गुंजाइश है इतनी डालेंगे। चले देखे हमारा ऑलमोस्ट 1/2 चला गया है, 2 बैचेस में होगा। अब बस इसको अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोटिंग वगैरह निकल जाएगी, जब एक साइड पे थोड़ा सुनहरा हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, जब इसे हम टच करेंगे, मैं बताऊंगी कब। देखिए 4-5 मिनट हो गए, अब इसको हम हिलाते हैं। तो बस 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे। देखिए 8 से 10 मिनट हो गए, हमारी चिकन का कलर बड़ा सुनहरा सुनहरा सा हो गया है, तो चले इसको निकालते हैं हम। देखिए ये सॉफ्ट साइड पे होती है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पक गई है। तो देखा कैसी जूसी सी है और सॉफ्ट साइड पे है। तो चले बस तेल का टेम्परेचर जब वही आ जाता है तो हम सेकंड बैच इसी तरह से डाल देंगे। इसी के हम नाम मैंने एक डिश बनाई थी, ये है चिली चिकन, और वो है चिकन चिल्ली विद नूडल्स, थोड़ा लाइटर वर्जन है। अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। इससे हटके है मोर वेजिटेबल्स और लाइटर वर्जन है। ये हमारा लास्ट भी चला गया, और इसी तरह मैं पलटूंगी इसको 5 मिनट के आसपास, 4-5 मिनट के आसपास, फिर 4-5 मिनट अदर साइड, इन 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे इसको।
चले, ये सारी आ गई। अब डेंजर को हटाते हैं और पीछे रखते हैं और झटपट नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चले, चूल्हे को ऑन करते हैं, पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। जब तक ये हो रहा है हम ज़बरदस्त सा सॉस बना लेते हैं। यहाँ हमने 2 कप पानी लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर कॉर्नसूप बनाने वाला, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून नोर या मैगी की चिकन क्यूब, ये मेरे पाउडर की सूरत में है, इसको हिला लेंगे सबसे पहले। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 4 टेबलस्पून हॉट सॉस चिली सॉस, मेरा सराचा है, आपको जो भी पसंद हो। और अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें, लेकिन चिली चिकन है ना तो फिर चिलीज जो है वो हर तरह की जाएंगी इसमें। अब मैंने बताया ना चटाखेदार है, मज़ेदार है, तो चले इसको मिला लेते हैं। बस चले अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब देखिए पैन भी हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ 3G क्रश्ड है, यानी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, 2-2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ सब है। तो ये है अदरक, ये है लहसुन और ये है हरी मिर्चें, तो ये चली जाएंगी इसमें ढेर सारी। देखा, हमें इस तरह का पैन गर्मा गर्म चाहिए, सिजल करना चाहिए था। चूल्हा हमारा हाई पे है, इसको हम सॉटे करेंगे। ब्राउन वगैरह नहीं करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि इसकी खुशबू रच बस जाए तीनों की एक दूसरे में। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं जो क्या है, बेल पेपर ग्रीन वाली, शिमला मिर्च 1.5 ली हमने जिसको इस तरह से पीस काट लिया है, इसी तरह से प्याज हमारी आधी लार्ज है यानी 2 कप के आसपास होगी, उसको भी इस तरह से स्क्वायर करके यूँ निकाल लिया है। और ये क्वार्टर मेरे पास शिमला मिर्च रेड वाली पड़ी थी तो ये ऐसे ही मैंने कलर के लिए डाल दी है, तो ये सब अब चला जाएगा इसमें। तो बस इसको हम 1-2 मिनट सॉटे करेंगे। इसका क्रंच हमें बरकरार रखना है, कलर एंड क्रंच। ये देखें 2 मिनट हो गए हमारे और ये बड़े अच्छी से हो गई है वेजिटेबल्स। और इसको अब एक दफ़ा ये देखें, अब इसमें हम अपना जो सॉस बनाया था ना उसको एक मरतबा और हिला लेंगे और ये सॉस जो है इसमें डाल देंगे। बस अब इसे हमें 1-8 मिनट पकाना है, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी थोड़ी सी करनी है। देखिए 2-3 मिनट हुए हैं और कितना थिक सा हो गया है। अब इसमें हम अपनी चिकन डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब आप पे डिपेंड है कि ये आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर ये देखें कुछ लोगों को इतना ही पसंद होता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि थोड़ी और ग्रेवी चाहिए या शोरबा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए, आप इस पॉइंट पे पानी डालेंगे, जैसे 1 टेबलस्पून 2-4 टेबलस्पून इस तरह से हल्का सा ढीला हो जाएगा। तो चले ये हो गया हमारा, अब इस पर हम डालेंगे हमारी हरी प्याज का पार्ट, आधा डाल देते हैं, आधा गार्निश कर लेंगे। चूल्हे को करते हैं बंद। देखिए डिश आउट करने से पहले हम यहाँ डालेंगे सेसमी सीड ऑयल यानी तिल का तेल, अगर आपके पास है तो डालें, उससे चाइनीज की खुशबू आने लग जाती है। तो तकरीबन ये डालेंगे हम 1/4 से लेके 1/2 टीस्पून तक, इससे ज़्यादा नहीं। चल इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। चले अब इस पर हम स्प्रिंकल कर देते हैं हरा पार्ट जो हरी प्याज का था ना, थोड़ा सा और भी।
तो देखा कैसे झटपट हमारी चिली चिकन बन गई, और उसके साथ मैंने ताज़े ताज़े से चावल बना लिए हैं, फ्रेश फ्रेश चावलों के साथ। वैसे रोटियों के साथ भी ये खा सकते हैं, और नूडल्स के साथ, रूखा, आपको जैसा अच्छा लगता है। ये बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा बना हुआ है, और नेक्स्ट डे भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये तो मुंह में पानी आ रहा है। किस किस को खाना है बताएं। इतनी फ्लेवरफुल सी चिकन है, और मुलायम सी, सॉफ्ट सी, और फिर चटपटा एकदम इसका सॉस, ये आप लोगों के लिए। खतरनाक खुशबू जो है ना, जो बिगनिंग में हमने डाला था ना 3G क्रश, उसकी ऐसी महक रही है, उसकी एक बेहतरीन किक सी बन गई है। एकदम मुनासिब खट्टा, मुनासिब मीठा, मुनासिब तेज़ है, परफेक्ट है। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।